तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगर में न्यूज वेबसाइट बना के लाखों रुपए कैसे कमाना है, इसी का जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो वेबसाइट है न्यूज वेबसाइट है, तो इसी प्रकार का वेबसाइट कैसे बनाना है इसी का जानकारी देने वाला हूँ। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक, अगर वीडियो सही लगे तो कर देना लाइक। तो चलिए अब आपसे ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है सारा जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ कि कहाँ से जो है थीम को डाउनलोड करना है और शुरू से जो है कैसे वेबसाइट को बनाना है और कस्टमाइज कैसे करना है, वो सारा जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे गूगल को ओपन करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि गूगल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्लॉगर। तो जैसे कि नीचे आप देख रहे हो कि ब्लॉगर लिख के आ चुका है, तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक होने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि देख सकते हो कि https://www.blogger.com लिख के आया है, तो इसी प्रकार का लिंक आएगा ब्लॉगर सर्च होने के बाद। तो यहाँ इस लिंक पे क्लिक कर देना। क्लिक होने के बाद आपके सामने में पेज एक ओपन होगा। वहाँ पे आपको करना क्या है कि जीमेल आईडी से आपको लॉगिन हो जाना है, ठीक है, गूगल का जो जीमेल आईडी है उसी से। तो यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका जीमेल आईडी नहीं बना हुआ है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के आप सीख सकते हो कि कैसे जीमेल आईडी बनाया जाता है। बाकी जीमेल आईडी बनने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे जो है ब्लॉग को क्रिएट करना पड़ता है, यानी वेबसाइट को क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए मेरा वेबसाइट तो पहले ही से क्रिएट है, तो इसके अंदर मैं डायरेक्ट जो है मैं लॉगिन हो गया हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप पहली बार लॉगिन होगे तो आपके सामने में कैसा पेज आएगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक ब्लॉगर पे जो है आप बहुत सारा वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए इसके अंदर में जो है न्यू ब्लॉग में क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ, यानी न्यू वेबसाइट क्रिएट करके बताऊंगा। तो यहाँ न्यू ब्लॉग पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद यहाँ पे जब सबसे पहली बार आप जो है लॉग इन होगे तो इसी प्रकार का पेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल आपको देना है, यानी आपको अपने वेबसाइट का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक काम करना है, एक ही लाइन में आपको नाम देना है, ठीक है, स्पेस दे दे के नाम नहीं देना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है कि उस प्रकार का वेबसाइट जो है पहले तो नहीं ना बना हुआ है। अगर उस प्रकार का वेबसाइट बना होगा तो यहाँ पे उस प्रकार का वेबसाइट आप नहीं बना सकते हो, आपको अलग से एक अपना नाम देना होगा, अलग से एक वेबसाइट बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वेबसाइट का सबसे पहले टाइटल देना पड़ता है, तो यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं। तो यहाँ पे रख देते हैं टेक न्यूज, ठीक है, टेक न्यूज हमने लिख दिया। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में दोनों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करके ये स्पेस दे दिया हूँ, तो इस तरीके से स्पेस नहीं देना है, नहीं तो होगा क्या कि गूगल के सर्च में होगा क्या कि टाइम लगेगा सर्च इंजन में आने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया हूँ बस इसी तरीके से काम करना है, और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि ब्लॉग एड्रेस देना है, ठीक है, जैसे कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि blogspot.com है, ठीक है। तो आपको जो है फ्री डोमेन पे ही अभी काम करने के लिए मिलेगा, बाद में चल के आप जो है .in.com का डोमेन ले सकते हो। तो ब्लॉग एड्रेस जो होता है यही होता है, इस URL को अगर आप किसी को शेयर करते हो तो उस URL पे कोई क्लिक करेगा तो वो जो है आपके वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉग एड्रेस इसे ही बोला जाता है। तो यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस में क्या देना है, तो यहाँ पे जैसे कि टाइटल मैंने दिया है टेक न्यूज, तो यहाँ पे भी टेक न्यूज देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर पहले से ये वेबसाइट बना होगा तो यहाँ पे सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, ठीक है, लिख के आएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि अलग हट के नाम देना है और बाद में जाके टाइटल को भी सही कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाम जो है क्या है कि पहले से ही है तो ये शो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे करना क्या होगा, टेक न्यूज 24 लिख देते हैं, ठीक है, ये भी नाम जो है पहले ही से है, तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग करके देना पड़ेगा। तो बहुत बार जो है यहाँ पे नाम चेंज करने के बाद जो है हमने ये नाम दिया है च्वाइस न्यूज,
तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि एक बार में जो है नाम सेलेक्ट ना हो, तो आपको करना क्या है कि दो बार कोशिश करना है, तीन बार कोशिश करना है, पांच बार। यहाँ पे है क्या, जल्दी से नाम क्यों नहीं सेलेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। लोग जो है ब्लॉगर पे पहले ही से बहुत ही सारे लोग काम करते हैं, बहुत ही सारे वेबसाइट जो है बना हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको एक अलग हट के नाम देना है ताकि सेलेक्ट हो जाए। और यहाँ पे जो है सेलेक्ट होने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा खुद ही, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी नाम यहाँ पे दोगे एड्रेस के अंदर, उस नाम को टाइटल में भी चेंज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम दिया हूँ, ठीक है, अब ये सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे सेव। सेव पर क्लिक होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि टेक न्यूज लिख के आ गया है। तो यहाँ सेटिंग पर जाके आपको करना क्या है कि आपको जो है यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल है तो आपको जो है यहाँ पे नाम भी दे देना है। तो यहाँ पे चलिए हम जो नाम दिए हैं उसको यहाँ पे डाल देते हैं एड्रेस के अंदर में, जो हमने नाम दिया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि चॉइस न्यूज, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल होगा तो स्मॉल में भी दे सकते हो। तो जैसे कि हमने लिख दिया, लिखने के बाद जो है यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो होगा क्या कि टाइटल भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चेंज कर लेना है। बाकी यहाँ पे है क्या कि अभी जो है कोई सा भी पोस्ट नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो है इस प्रकार से दिखता है। अब इसका थीम देख लेते हैं कि किस प्रकार से है। तो यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है थीम दिखेगा, ठीक है। बाकी देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा जो ब्लॉग एड्रेस है ये है choicenews.blogspot.com। बाद में जो है अगर आप डोमेन लेते हो .in का .com का, तो होगा क्या कि यहाँ पे से blogspot.com हट जाएगा, और .com का डोमेन लोगे तो .com लिख के आएगा, .in का लोगे तो .in लिख के आएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा ब्लॉग जो है कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसके अंदर में जो है एक थीम लगाएंगे जिससे कि प्रोफेशनल दिखेगा वेबसाइट। तो यहाँ पे चलिए हम थीम कौन सा लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो कि एक भी पोस्ट नहीं लिखा हुआ है, ये जो है अभी खाली है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या थीम लगाने के लिए, तो देख सकते हो कि यहाँ पे इस पेज को ओपन कर दिया हूँ, और इसी पेज पे आपको आना है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको पांच प्रकार का थीम मिलेगा, ठीक है, देख सकते हो। जिसमें से कि आपको एक यहाँ पे न्यूज वेबसाइट के लिए भी थीम मिलेगा, ठीक है। इस थीम का नाम है जी न्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। मगर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पेज का लिंक जो है नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ सकते हो, और यहाँ पे पांच थीम आपको मिलेगा अलग अलग प्रकार का। तो आप जो है अलग अलग प्रकार का भी वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे क्या कि न्यूज थीम को हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड के बटन पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि लाइव प्रीव्यू पे क्लिक करके आपको देख लेना है लाइव कि ये थीम दिखता कैसा है। बाकी यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके आपको करना क्या है कि डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना है। तो हमने जो है क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोड भी हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ एरो पे क्लिक कर देना है, और यहाँ ओपन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑल पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ब्राउजर पर क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद यहाँ हम जो है डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो होगा क्या कि डाउनलोड के फोल्डर में ये एक्सट्रैक्ट होके जाएगा। तो हमने सेलेक्ट कर लिया डाउनलोड। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट फोल्डर पर, और उसके बाद जो है ये सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये होगा क्या कि एक्सट्रैक्ट होगा। चलिए क्लिक कर देते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद होता क्या है कि हमें जो है एक फाइल मिलता है XML फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है मिल जाएगा, और कौन सा फाइल है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है एक्सट्रैक्ट हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद यहाँ पे जो है हमें XML फाइल मिलेगा, तो देख सकते हो जी न्यूज फ्री वर्जन XML। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं, और कट होने के बाद अपने ब्लॉगर पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसको हमने क्रिएट किया है अभी। अब है क्या कि यहाँ पे थीम जो है सही से नहीं लगा हुआ है, देख सकते हो कि ये जो थीम है सही नहीं दिखेगा, ये जो है सिंपल थीम है। तो यहाँ पे जो थीम हमने डाउनलोड किया है उसी को लगाएंगे। तो यहाँ थीम पर क्लिक करेंगे,
थीम पर क्लिक होने के बाद यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको बहुत ही सारा फ्री थीम मिल जाता है जिसको अपलोड कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल बनाना है अपने वेबसाइट को, तो यहाँ पे जो है आपको थीम अलग से डाउनलोड करके आपको अपलोड करना है। तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में थीम का लिंक दिया हूँ, तो उसी थीम को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा थीम है। तो चलिए यहाँ पे हम एरो पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ जो है हम करेंगे क्या कि री स्टोर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है अपलोड पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि डाउनलोड पे हमने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे हमारा जो थीम है वो जी न्यूज फ्री वर्जन XML, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ओपन पर क्लिक करेंगे। तो होगा क्या कि इसके अंदर में अपलोड होगा, अभी देख सकते हो री स्टोरिंग थीम हो रहा है। तो ये होने के बाद अब इसको देखेंगे लाइव, ठीक है। तो ये जो है अपलोड हो चुका है। अब हम नीचे की ओर आएंगे, यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है देखना यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर में कस्टमाइज क्या करना पड़ता है, तो अभी जो है मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो साइड बार में है उन सभी को बंद करना है, यहाँ पे सिर्फ रखना है नीचे जो ये है डिजाइन वाई, इसको रखना है। बाद में यहाँ पे भी आप चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन जो जरूरी कस्टमाइज होता है वो करके मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहाँ अब होम अबाउट कॉन्टेक्ट का ऑप्शन रखना है, RTL वर्जन को अगर रखना है तो रख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे हम तीन ही रखेंगे, होम अबाउट कॉन्टेक्ट और RTL वर्जन के जगह पे हम करेंगे क्या कि प्राइवेसी पॉलिसी का बटन सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अबाउट अस का बटन है, तो अगर आपको रखना है तो रख लेना, लेकिन हम इसको नहीं रखेंगे, हटा देंगे, ठीक है। बाकी इधर की साइड में जो भी है उसको हम करेंगे क्या कि हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो जो इसके अंदर में ज़रूरी होता है उसी को रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर में भी देख सकते हो होम अबाउट कॉन्टेक्ट RTL वर्जन, ठीक है, और यहाँ पे होम, ठीक है, ये सब जो है मेनू है। और यहाँ पे पोस्ट इसके अंदर में अगर डालोगे तो नीचे यहाँ पे आएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोशल आइकॉन है और इसके अंदर में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए एक एक करके सबसे पहले हम सबको हटा देते हैं और इसको बनाते हैं एक अच्छा वेबसाइट। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि आप जो है यहाँ पे लेआउट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेआउट ओपन होगा। तो यहाँ पे अभी लेआउट से ही सही होता है ये चीज़, तो देख सकते हो कि लेआउट ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है कि फॉलो अस का बटन रखना है, पॉपुलर पोस्ट का ऑप्शन रखना है, और यहाँ पे जो है सब्सक्राइब अस का बटन हटा देना है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे और रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि एडसेंस का जो बटन है इसको भी हटा देना। बाद में चल के जो आप क्या कर सकते हो कि खुद से जो है जावा स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करके और लगा सकते हो, ठीक है। तो इन सब को हटा ही देना बेहतर है। तो यहाँ पे चलिए इसको भी हटा देते हैं और यहाँ पे रिमूव करते हैं। तो इसी तरीके से आपको जो है हटाना है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देख सकते हो रिलेटेड पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे नीचे आएगा, तो इन सब को नहीं हटाना है। तो अभी जो हमने हटा के आपको बताया है इसी तरीके से हटाना है। और यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो है हेडर लोगो है, ठीक है, एक बार बैक करके मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है हेडर लोगो है, यहाँ पे देख सकते हो कि हेडर लोगो आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो लोगो है हेडर लोगो है और यहीं से हटेगा। तो यहाँ पे जो है फिलहाल के लिए हम करेंगे क्या कि क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि नीचे पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वो लोगो हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब सेव पर क्लिक कर देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है ऑन रखना है, ठीक है, जब ही होगा क्या कि शो होगा। बाकी आप ब्लॉग डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो दे सकते हो, अपने ब्लॉग से रिलेटेड कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी चलिए यहाँ पे हमने लोगो हटा दिया है, अब यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे। तो होगा क्या कि ये सेव हो गया। अब इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये हटा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका वेबसाइट का नाम होगा वो दिखेगा। बाकी बाद में चल के आप लोगो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी चीज़ के ऊपर जो है वीडियो में बना दिया हूँ, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इतना तक तो आपने समझ लिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सर्च करना है YouTube पर या Google पर रिसर्च टेक न्यूज, ठीक है।
तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। इस चैनल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ठीक है, कि ब्लॉगर में वेबसाइट बनाने के बाद लोग जो है कितने कितने रुपए कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ट्रेलर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको देख सकते हो। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉगर को सही तरीके से जो है कस्टमाइज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर में बताने लगूंगा तो ये वीडियो जो है हो जाएगी कम से कम 1.5 घंटे की, ठीक है। तो 1.5 घंटे जो है कोई भी लोग बैठ के नहीं देख पाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पे पहली ही जो है मैं ब्लॉगर से रिलेटेड सभी प्रकार का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है देख सकते हो ये जो है प्लेलिस्ट है ब्लॉगर टिप्स। तो वेबसाइट कैसे बनाया जाता है ब्लॉगर में, तो सबसे पहला वीडियो ये है, और दूसरा जो है यहाँ पे ब्लॉगर में आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, तो ये वीडियो है। आर्टिकल लिख सकते हो अपने ब्लॉगर के अंदर में इस वीडियो को देखने के बाद। अब उसके बाद ब्लॉगर में यूट्यूब जैसा थीम कैसे लगाए, मतलब आप जो है किसी भी थीम को लगा सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। अब आ जाती है बात कि ब्लॉगर में जो है थीम को कस्टमाइज कैसे करना है और ब्लॉगर की सभी सेटिंग कैसे करना है। तो मैंने जो है इसमें सभी प्रकार का मैं जानकारी दे दिया हूँ कि ब्लॉगर में वेबसाइट कैसे बनाया जाता है और थीम को कैसे अपलोड किया जाता है। बाकी आपको जो है 3 वीडियो और देखना है, ठीक है, क्योंकि ये ट्यूटोरियल है, ठीक है। एक दिन के अंदर में कोई भी लोग सीख नहीं सकता है और एक दिन के अंदर में वेबसाइट बन नहीं सकता है, ठीक है। बनेगा जब ही जब आप एक दिन के अंदर में सीखोगे तब, ठीक है। तो यहाँ पे अब करना है क्या है कि आपको जो है अपने थीम को कस्टमाइज करना है, तो इस वीडियो को देखना है। और यहाँ पे आपको अपने ब्लॉगर की सभी सेटिंग को करना है, तो इसको देखना है। और ब्लॉगर में अगर आपको आर्टिकल लिखना है यानी पोस्ट लिखना है, तो आपको इस वीडियो को देखना है। तो आपको जो है मैं बता दिया हूँ सभी प्रकार का जानकारी यहाँ पे कि ब्लॉगर के अंदर में कैसे जो है वेबसाइट बनाया जाता है, कैसे थीम को अपलोड किया जाता है, और थोड़ा सा जो है मैंने आपको बता दिया कि कैसे थीम को कस्टमाइज किया जाता है। बाकी अब आपको करना क्या है कि इस 3 वीडियो को देखना है, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल लिखने के लिए यानी पोस्ट लिखने के लिए इस वीडियो को देखना है, और ब्लॉगर के थीम को कस्टमाइज करने के लिए इस वीडियो को देखना है, और ब्लॉगर की सभी सेटिंग को करने के लिए इस वीडियो को देखना है। उसके बाद होगा क्या कि आपका जो है वेबसाइट कंप्लीट तैयार हो जाएगा और वेबसाइट जो है आपका कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई बात हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। आपके कमेंट से रिलेटेड जो है वीडियो में बनाता रहूँगा और आपका काम जो है आसान होता चला जाएगा। तो देख सकते हो कि ये जो है वेबसाइट बनने के बाद जो है कितना अच्छा दिखता है। तो एक दिन के अंदर में नहीं होता है कोई भी काम, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, और जब टाइम आप दोगे तो होगा क्या कि आपका काम हो जाएगा। तो वेबसाइट जो है यहाँ पे क्रिएट आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। बस जो चीज़ मैंने आपको बताया है उसी बात का ध्यान में रखना है और काम करना है। बाकी इस चैनल पे ब्लॉगर से ही रिलेटेड जानकारी देता रहता हूँ। तो अगर ये जानकारी आपको सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।